जो कैंडिडेट रामपुर से दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके सर्टिफिकेट को लेके, कि जैसे आप लोग सब जानते हैं रामपुर एक शेड्यूल कास्ट सीट है जहाँ पर रिजर्व सीट है, परंतु इनका जो सर्टिफिकेट है वो इस वक्त भी एज पर लॉ जो है वो इस वक्त शक के घेरे में है। जब कल स्क्रूटनी हुई हमने ये इशू उठाया था, वहाँ पे स्क्रूटनी के समय भी इशू उठा था, परंतु वहाँ पे इनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूँ, सर्टिफिकेट जो है मेरे पास इसके पूरे दस्तावेज पड़े हुए हैं, ये सर्टिफिकेट है SC20227284822137 और ये 16/8/2022 को इशू हुआ हुआ है। ये इशू हुआ हुआ है रामपुर से, और जबकि वो रहने वाले हैं निचार के। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा कानून में जाएं तो यहाँ पे हमारा जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, हिमाचल प्रदेश सरकार का लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, इसका पैरा 28.1 वो कहता है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर एंड तहसील ऑफ तहसील एंड तहसील तहसीलदार मोहाल शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू SC/ST बैकवर्ड एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शंस, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है जो ये रहा हुआ है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और मदद करने के लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह लग गई है कि एक सर्टिफिकेट को आप जो अभी 2000 ST तक ST का सर्टिफिकेट है, 2022 में आप SC का सर्टिफिकेट देते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर सिर्फ पर्पस ऑफ इलेक्शन से आप ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर और भी कैंडिडेट हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, परंतु ऐसा क्यों कि एक ही आप सर्टिफिकेट, और वो भी एक सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं इशू कर सकती थी उससे इशू करवा रहे हैं। आज ये कंप्लेंट लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाएंगे, और इसमें सारे कानूनी तर्क हैं जो हम दे रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से हम कुछ इसमें जोड़ रहे हैं, कानूनी तर्क हैं। और मुझे पता चला है कि इसकी इस प्रकार की एक पिटिशन जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी फाइल हुई है, जिस पे शायद नोटिस इशू हुआ है, उस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा, परंतु अगर माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले रहा है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किया है उस सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है और इसके क्या रिप्रकशन हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे। तो अगर हम जब कंप्लेंट लेके जाएंगे तो हमारी कोशिश यही है कि 29 तारीख से पहले पहले इसका निपटारा हो, और जो है इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है कम से कम इसको जब आपने स्क्रूटनी में तो आपने अलाउ कर दिया है, परंतु अगर कानूनी तर्क देके हम इस सर्टिफिकेट को हम घोषित कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट फॉल्स है, तो जो नामांकन जो है वो रद्द किया जाए। है जो कैंडिडेट रामपुर से दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि जैसे आप लोग सब जानते हैं रामपुर एक शेड्यूल कास्ट सीट है जहाँ पर रिजर्व सीट है, परंतु इनका जो सर्टिफिकेट है वो इस वक्त भी एज पर लॉ जो है वो इस वक्त शक के घेरे में है। जब कल स्क्रूटनी हुई हमने ये इशू उठाया था वहाँ पे, स्क्रूटनी के समय भी इशू उठा था, परंतु वहाँ पे इनका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया। ये सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूँ, सर्टिफिकेट जो है मेरे पास इसके पूरे दस्तावेज पड़े हुए हैं, ये सर्टिफिकेट है SC20227284822137 और ये 16/8/2022 को इशू हुआ हुआ है। ये इशू हुआ हुआ है रामपुर से, और जबकि वो रहने वाले हैं निचार के। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा कानून में जाएं तो यहाँ पे हमारा जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है हिमाचल प्रदेश सरकार का लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, इसका पैरा 28.1 वो कहता है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर एंड तहसील ऑफ तहसील एंड तहसील तहसीलदार मोहाल शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू SC/ST बैकवर्ड एंड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शंस, जो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ा लूप होल है जो ये रहा हुआ है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक कैंडिडेट को जिताने के लिए और मदद करने के लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह लग गई है कि एक सर्टिफिकेट को आप जो अभी 2000 ST तक ST का सर्टिफिकेट है, 2022 में आप SC का सर्टिफिकेट देते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर सिर्फ पर्पस ऑफ इलेक्शन से आप ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर और भी कैंडिडेट हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के पास, परंतु ऐसा क्यों कि एक ही आप सर्टिफिकेट, और वो भी एक सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं इशू कर सकती थी उससे इशू करवा रहे हैं। आज ये कंप्लेंट लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा जाएंगे, और इसमें सारे कानूनी तर्क हैं जो हम दे रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से हम कुछ इसमें जोड़ रहे हैं, कानूनी तर्क हैं। और मुझे पता चला है कि इसकी इस प्रकार की एक पिटिशन जो है माननीय उच्च न्यायालय में भी फाइल हुई है, जिस पे शायद नोटिस इशू हुआ है, उस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा, परंतु अगर माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले रहा है
तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट इशू किया है उस सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है और इसके क्या रिप्रकॉशन हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे। तो अगर हम जब कंप्लेंट लेके जाएंगे तो हमारी कोशिश यही है कि 29 तारीख से पहले पहले इसका निपटारा हो और जो है इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है कम से कम इसको जब आपने स्क्रूटनी में तो आपने अलाउ कर दिया है, परंतु अगर कानूनी तर्क देके हम इस सर्टिफिकेट को हम घोषित कर सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट फॉल्स है तो जो नामांकन जो है वो रद्द किया जाए।